अरे मैंने इसमें 7-8 फुट का गहरा खड्डा लगवाया था, ये खड्डा लगवाने के कारण भी राखी भी डल गई इसमें। मैंने दूसरे खेत से थोड़ा सा भी, मैं 2-2.5 किले का जिम्मेदार हूँ, मैंने दूसरे खेत से लगभग 1-2 फुट इस पर मिट्टी भी डलवाई। मिट्टी डलवाने के कारण उसका मिट्टी का राखी का मिलान ना होने के कारण बरसात ज़्यादा, यानी कि 30-31 सालों में इतनी बरसात मैंने भी देखी है, भी ज़्यादा पानी खड़े होने के कारण इसका मिट्टी का राखी का मिलान नहीं हुआ था। इसमें मिट्टी में दरार पड़ गई, ये अपना पानी का वजन ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा ऊपर उठ। हाँ जी, 2-3 फुट का दायरा था इसमें, जबकि मेरा माइनिंग का पर्चा भी हो गया था इसमें। अच्छा, हाँ, मेरा ओपेस चल रहा है, मतलब ज़्यादा बेचती थी आपकी गलती रही। गांव में जैसे हम 3-4 मंजिल या 5 मंजिल मकान बना लेते हैं, भी हम अपनी ज़मीन को 8-10 बोरा गहरा खड्डा डलवा के बर भी थोड़ा हमारा काम चल जाएगा। अभी थोड़ा मिट्टी मट्टी राखी टुकी डलवा के भी हम थोड़ा नॉर्मल, एक छोटा सा जिम्मेदार है जी, क्या क्या करेगा, यानी कि उसको अपना सारे बच्चे की पढ़ाई भी होती है, शादी भी होती है उनके, सारे ऐसे मजबूरी में क्या पता क्या करना पड़ता है, कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है सर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि कुदरत के करिश्मे के बाद जमीन फटी और उसके बाद यहाँ जमीन ने एक पहाड़ नुमा शक्ल अख्तियार कर ली। दरअसल मामला क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल से 20 किलोमीटर दूर कुचपुरा गांव में, जहां पर ये जहां की ये वीडियो है। दरअसल आप देखेंगे यहां अभी करीब एक एकड़ जगह में काली मिट्टी जैसा आपको नज़र आएगा और एक पहाड़ नुमा जो है आपको दिखाई देगा। दरअसल यहाँ पर खुदाई की गई थी इस एक एकड़ ज़मीन में, यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी, माइनिंग की गई थी और उसके बाद यहाँ राख भर दी गई थी। राइस मिल है यहाँ पर आसपास, उसके बाद यहाँ राख भर दी और जब बारिश का पानी यहाँ पर भरा तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये ज़मीन फटती चली गई, क्योंकि एक सीमा तक ही राख ने पानी को सोखा और उसके बाद ये ऊपर फूल कर आने लगी और जिसके बाद यहाँ ये ज़मीन फटती हुई नज़र आई। इसके बाद एक वीडियो सामने आया और जिसमें दावा किया गया कि प्राकृतिक चमत्कार की वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल ये हुआ है एक यहाँ जो ज़मीन मालिक हैं उनकी गलती की वजह से उन्होंने यहाँ पर माइनिंग की। हमारे साथ उन्हीं के भाई हैं शमशेर सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। सर इधर आ जाइए, ये किस तरह से जो संदेश दिया जा रहा है, यहाँ इस तरफ आइए आप, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ चमत्कार हुआ है लेकिन यहाँ पर माइनिंग आप लोगों ने की थी और उसके बाद ये ज़मीन फट गई यहाँ पर। हाँ, कंकरीली मिट्टी थी यहाँ, मैंने मिट्टी ठुआई थी 7-8 फुट, तो ये मैंने राइस मिल की राखी घेर के भर दिया था, फिर मिट्टी भी घेर दी, इस पर जीरी भी लगाई, हमारा 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। ये पानी आया, काफ़ी फ्लड आया, ये ऊपर उठ गई, कोई करिश्मा नहीं आई। तो आपने यहाँ से मिट्टी निकाली क्यों थी यहाँ पर? सड़क वाले देंगे थे मिट्टी, हमने पतन था जिम्मेदार, हमने पतन था भाई ये ऐसे भी पर्चा दर्ज हुआ, हमारी जमीन है, हमने पता लग गया, हमें दोबारा इसमें भर दी। इसमें आपके खिलाफ मामला भी दर्ज हो रहा, भाई के खिलाफ हो रहा। ये कहें कि गलती की वजह से ऐसा? हाँ, ये गलती की वजह से, ये गलती है, गलती है। ठीक है, ये हमने पता बोले था, हमने पता नहीं था भाई जिम्मेदार को क्या पता, जिम्मेदार ने तो ऐसे ही अभी हमने पता लग गया, हमने दोबारा डलाया, मिट्टी डला दी, जीर लगा दी, ये फल्ड आया, फल्ड में ऊपर। देखिए ये शमशेर सिंह हैं जो ज़मीन मालिक हैं, नफे सिंह उनके भाई, उनका कहना है कि ये गलती हुई है और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है, प्रशासन ने मामला दर्ज किया है माइनिंग का। लगातार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर खेतों से मिट्टी निकाली जा रही है तो वो प्रशासन की जानकारी में हो और उसके बाद अगर राख यहाँ पर डाली जाती है तो उसकी भी एक तरह से जाँच की जाए कि वो क्या इन खेतों के लिए राख सही है या नहीं। जैसे ही बारिश का पानी उसमें गया तो वो राख ने पानी को अब्जॉर्व कर लिया और फूलने की वजह से जो लेवल है भूमि का उसमें चढ़ाव आ गया और इसकी वजह से मिट्टी ऊपर उठ गई। तो इसमें इस तरह की, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी वायरल चली हुई थी कि इसमें पता नहीं क्या किस दैवीय वजह से या क्यों इस तरीके से ज़मीन ऊपर उठी है, तो इसकी मुख्य वजह ये है। और इसमें हमने बाकायदा उन किसानों को कहा भी है कि पहली चीज़ तो जब भी मिट्टी उठाएँ तो विभाग की परमिशन लेकर के उठाएं और दूसरा एक बार साइंटिफिक तरीके से जांच करवा लें, इस तरीके से राख जो है वो वहां पे डालते हैं वो उपयोगी है। सुबह
हुआ नहीं है कि मिट्टी उसमें उठ के, मतलब नेचुरली जो मिट्टी है वो उठी है, उसमें किसान ने मैन मेड है जो उसने एक्टिविटीज की है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हो, इन्वायरमेंटल साइंस के जो डिपार्टमेंट हो, कि कौन सी गैसें हैं वो जो रिलीज हुई है, ताकि क्योंकि मिट्टी ज़्यादा तो है नहीं, एक तो लेयर बिछा रखी उसने, मिट्टी की लेयर है वो, जैसे 7 से 8 फीट तक उसने राख डाली, राख डालने के बाद भी उसने एक परत मिट्टी की बिछा दी, वो मिट्टी की हल्की सी परत है जो नीचे से जो भी एक्टिविटीज हुई होगी, चाहे से गैसें रिलीज हुई होगी या और कोई केमिकल जो रिएक्शंस है वो हुई होगी, तो मिट्टी उससे ऊपर उठ गई है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसी चीज़ों के लिए जो ये जो इनके डिपार्टमेंट्स है वो अभी सैंपल भी वहाँ से ले रहे हैं,